हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, देन f ऑफ 8 इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। हम देखिए हमारे पास गिवन है f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। हम देखिए इस एक्सप्रेशन में हम a प्लस एक्स की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस a। इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू में x की जगह पे पुट कर देंगे 2 माइनस ए, हो जाएगा इंटू में 2 माइनस ए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 ए। और यहाँ पे हमारे पास गिवन है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। हम देखिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 3 ए इज इक्वल टू 5। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 3। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई 3। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 3। अगेन इस इक्वेशन को देखते हैं, ये हमारे पास है f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। a की वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाई 3, हो जाएगा f ऑफ 1 बाई 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में हम 1 बाई 3 प्लस एक्स की जगह पे 8 पुट कर देते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 बाई 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 23 अपॉन में 3। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 8 इज इक्वल टू 3 इंटू में x की जगह पे पुट कर देंगे 23 अपॉन में 3 इंटू में 23 अपॉन में 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ 8 की वैल्यू आ जाएगी 23। ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।